नाम? अस्सलाम वालेकुम जी। वस्सलाम, क्या हाल है जहाँ पास? कहाँ जा रहे हैं आज? हम लाहौर जा रहे हैं जी, और तुकीर जफर भी हमारे साथ हैं, और ये गाड़ी एक हमारी रिफिल हो रही है और एक वो रिफ्यूल होगी, और लाहौर हम जा इसी से मिलेंगे अपने क्लाइंट को, हम गाड़ी वहाँ पे डिलीवर करने जा रहे हैं आल्टो। तो आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि दो फ्रेंड्स आते हैं, तुकीर जफर और कुछ हमारा भी दोस्त चलेगा, और आपके साथ सारी सारी स्टोरी आज शेयर कर। और मकसद क्या है वीडियो बनाने का कि आल्टो फ्यूल एवरेज कितनी दे रही है लॉन्ग पे? VXL है और ये VX है। हमारे साथ है जी उमर साहब और जैन भाई, ये VX लेके जा रहे हैं नॉन AC, जिसमें इन्होंने AC लगा दिया, और इसी गाड़ी को इन्होंने ड्राइवर करना है, और अब हम लोग निकलने लगे हैं मोटरवे पे। इंशाल्लाह फिर आपको बाकी सफर जो है वो मोटरवे पे दिखाते हैं। अच्छा जी, अब जांबाज भाई थोड़ा सा ज़रा बता दें, वैसे तो ये माशाल्लाह थोड़ा ज़रा गाड़ी ज़्यादा भगाने वाले बंदे हैं, और जांबाज भाई हम लोग अभी 6:05 हुए हैं, तो कब तक पहुँच जाएंगे लाहौर? यार बेसिकली ये मैं गाड़ी लाइट ही चलाएंगे, छोटी गाड़ी है, 100-110 पे रहेंगे, मेरा ख्याल में 2-2.5 घंटे मैक्सिमम लोग। अच्छा, अगर रश कम हुआ? रश कम हुआ। और आपको ये मतलब अभी हमने जो फुल करवाई ना वो 5500 की हुई है, लेकिन थोड़ा सा पेट्रोल था इस गाड़ी के अंदर, वरना अगर ना होता, अगर ये डेड एंड होती ना इसका टाइम इस टाइम, तो ये 5800 की होनी चाहिए, 6000 की मैक्सिमम। और अभी जो एवरेज आ रही है ना 22.4 की आ रही है, और गाड़ी अभी 100 से ऊपर है, और AC भी गाड़ी का चल रहा है। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सुजुकी आल्टो कितनी अच्छी गाड़ी है हाईवे के ऊपर भी। वैसे इसको आमतौर पर शहर की गाड़ी माना जाता है, लेकिन यही हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि लाहौर तक हम लोग जा रहे हैं और क्या सिनेरियो है। खूबसूरत आपको कैट आइज नज़र आ रही हैं, इनका क्लियर साइन है कि जी हम लोग मोटरवे पे तशरीफ ला चुके हैं, और AC हमने बंद कर लिया क्योंकि मौसम हो गया है ठीक, और अभी भी एवरेज जो है जांबाज भाई गाड़ी को लेके आए हैं कोई 100-110 पे, और एवरेज जो है वो 21 से नीचे नहीं आई। और जांबाज भाई हम लोग 21 से नीचे आएंगे कि नहीं? नहीं, मेरा ख्याल आएंगे तो लोग 20 तक आएंगे, अगर 120 पे कंटिन्यू रहेंगे ना जब हम। अच्छा, मैक्सिमम भी 100 गाड़ी की एवरेज 20 के राउंड बोर्ड गिरेगी बस, इससे नहीं। अगर AC चलाएंगे तो 19-19 पे आएंगे। बाकी फैसलाबाद की मोटरवे का सीन ये है कि भाई इसमें आप ऐसे ही है जैसे आप आम बाईपास रोड पे जा रहे हैं, मतलब कोई खड्डे ऐसे 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 हम चलते हैं, वो आगे चेंज होगी लोअर में, शायद वो गाड़ी में आपको बम्प्स ना नजर आए ये मोबाइल में स्टेबलाइजेशन की वजह से, लेकिन शदीद बम्प्स आते हैं, ऐसे ही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मोटरवे कम है और हमें कोई बाईपास रोड ज्यादा लगता है, लेकिन फिर भी शुक्र करें कि हमें ये। हाँ, एक चीज का सुकून है, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई इधर से रिक्शा नहीं निकल के आ गया, हाँ यहाँ पे ये सीन है कि भाई गाड़ियां ही हैं यहाँ पे, ये बड़ा सुकून है यहाँ पे। अच्छा जी, अब गाड़ी है जी 120 से ऊपर, और एवरेज आ रही है जी 20.5 की, और पॉइंट जो है अभी तक सारे के सारे हैं, कोई पॉइंट कम नहीं हुआ मोटरवे पे। अभी हम लोग फैसलाबाद वाली मोटरवे पे हैं, यहाँ पे ज्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि माशाल्लाह इधर बम्प भी इतने ज्यादा है और बंदा सो भी नहीं सकता यहाँ पे ना, ये लोगों को जगाने के लिए रखी हुई है। आप जैसे को तो नींद आती है, आप तो जगह सही बात है। हमारे आगे एक बेचारी करोला जा रही है, और हमारी गाड़ी में HIDs हैं, और ये थोड़ी शोखी मारी थी तो भाई ने थोड़ा सा हाई बीम कर दिया, तो फिर हमें कहा कि यार चल खुदा का खौफ खा ले, अगला बेचारा आना ही ना हो जाए। लेकिन आज रश है मोटरवे के ऊपर ना, वैसे आम तौर पे मैंने फैसलाबाद मोटरवे पे इस तरह रश देखा नहीं है। आपने वो मुहावरा सुना हुआ है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, अब हम लोगों ने रोड के ऊपर ना HID मारी है लोगों को, और हमारी अपनी HID की जो लाइट है वो खराब हो गई है। ये देखो जरा, ये पूरा डिस्को मॉल बनया हुआ है गड्डी दे विच। अभी हम लोग सुखे की क्रॉस करके हम लोग शेखुपुरे के पास है। अच्छा, और ये गाड़ी अभी 109 किलोमीटर से ऊपर चली गई है, और एवरेज अभी भी तकरीबन 20 के करीब करीब आ रही है, और जो आ रही है 18.4 है, AC चल रहा है, और गाड़ी 120-130 पे चल रही है, और अभी जो पॉइंट है ना इसका वो 1 गिरा है, और 1 पॉइंट में कितना पेट्रोल होता है अप्रोक्सीमेटली? 4 लीटर होगा। अच्छा, 4 लीटर होता है। हाँ तो 3-4 लीटर में मतलब देख लेंगे ये आल्टो कितनी किफायतशार है। अभी जब हम वापस निकलेंगे ना, फिर हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि इस कैलकुलेशन में कितने का पेट्रोल लग गया लाहौर से आने जाने में। हमारी रेस हो रही है आल्टो वर्सेस फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर भी कौन सी है? सिग्मा डीजल वाली। और हमने इससे जीतना है, और ये हमने इसको क्रॉस किया है कितने पे? 139 पे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह।
हम फॉर्च्यूनर से जीत गए हैं, आए मोटर वाले बच गए, शाबाश शाबाश भाई हम छा गए हैं। लेकिन आपकी गाड़ी की एवरेज ड्रॉप हो गए 17 पे आ गई है, ये देखिए जरा, नहीं 18 पे अब हम स्लो हो गए हैं क्योंकि अपनी कार से बाहर नहीं आना चाहिए, उसको गुस्सा आ गया तो वो तेज हो जाएगा। हम लोग लाहौर पहुंच गए हैं, ये सामने टोल प्लाजा, बस थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। और जांबाज भाई ने गाड़ी ना 138-140 पे मारी है और एवरेज ड्रॉप हो गए 17.5 पे आ गई है, लेकिन पॉइंट अभी भी 2 ही गिरे हुए हैं क्योंकि जांबाज भाई कह रहे थे कि हमने पहुंचना है जल्दी, तो अभी हम लोग ज़रा आराम से आ रहे हैं। लेकिन ये है कि बड़ा मज़ा है ड्राइव का, उसकी वजह ये है टायर है इस गाड़ी के बिल्कुल न्यू है, अभी उन्होंने चेंज कराया है, उस वजह से भी बड़ा फ़र्क है। बट आई थिंक इसकी और मेहरान की जो ड्राइंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसके अंदर फैक्ट डालते हैं टायर, अब जितना अच्छा टायर होगा मोटरवे पे गाड़ी चलाने का उतना मज़ा आता है। जो इसके अंदर वो टाइकोन का टायर है, ज़रा उसका बताएं कि उसके क्या पंगे हैं। यार टाइकोन के टायर जो जैनुअन आता है वो इतना सा जो टायर आता है, मैंने गाड़ी ली थी ना जो टायर जेन्युइन था, तो मैं इतना कि डिसाइड था कि यार मैंने ले क्या लिया मतलब, लेकिन मुझे तब ये था कि शायद गाड़ी का सस्पेंशन फर्क है, इतना टायर कमजोर था कि मुझे लग रहा था कि गाड़ी का जो सस्पेंशन ही शायद इसका ना बेसिकली कंपनी ने तो कॉस्ट कटिंग करनी होती है। अच्छा खैर, उसके बाद जब मैंने टायरों वाले के पास, मुझे पता टायर चेंज होने ही टायर कमजोर भी थे, तो मैं लेकर गया, फिर उसने टायर चेंज किया। उस टाइम इसमें अगूरा कंपनी है, ये इटली की ब्रांड आई थिंक, ये इटली का था, इसे कंट्री में अगूरा ये राश कितना आ गए। तो वो मैंने टायर डलवाए अब आपके सामने, हम चलाते आए हैं आपके सामने भाई, आप कहा था पीछे एम टाइप लगवा लो भाई, इसका फायदा नहीं था यार वैसे ना, तो मुझे बताएं लाइने हैं ट्रैफिक की, कोई शदीद लाइने हैं, और हम लोग यहाँ पे आके रुक गए हैं। अब हम लाहौर में एंटर हो गए हैं, बाकी हम वहां पे जाके करते हैं और बाकी सीन आपको बाद में दिखाता हूं। किस लाइन में रहना है? हाँ जी, ये अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वजह क्या बनी है पता नहीं, आज वैसे वीकेंड पे संडे को रश होता है ना इतना। चल शुक्र है चल तो रही है ना। वैसे मैंने इस तरह की पहले ट्रैफिक पता कहाँ देखी थी, पेशावर मोटरवे पे, वो जो इस्लामाबाद टूल प्लाजा था ना, उधर ही बहुत रहा, वहां पे भी 1 किलोमीटर के करीब करीब लाइन लगी थी। लोग हम साडे वाली लाइन रुक गई, बाकी सारी चल पड़ी चल रही है, बस ठीक है, बस पहुंच जाएंगे। लगे हैं लोग इधर भी लगे हुए, कोई इधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, आपस में मतलब रेसे लगा रहे हैं, जिसको जहाँ हल्का सा मतलब लगता है जैसे वो गाड़ी ना आगे वो देखे, वो ये करोला वाला निकल रहा है, जिसको जिधर को मिल रही है ना वहां से बस निकलने की कर रहे हैं। आना है ठोकर जो एम्पोरियम के सामने, एम्पोरियम के सामने। अच्छा जी, तो अभी 3 पॉइंट जो है वो उसके 3 पॉइंट नीचे गुज गए हैं और एवरेज जो है वो 17.5-18 के पास पास है अभी, 17-20 में दिए गए। मतलब अगर वैसे निकाला जाए ना कंक्लूजन, तो एवरेज तो बड़ी अच्छी आई है, एवरेज है वो अब 18 तक का ही निकला है, क्योंकि चलाने पे डिपेंड करता है ना, तो भाई थोड़ा ज़रा तेज़ चलाते हैं, भाई ने 125 से नीचे नहीं गाड़ी लेके गए, तो यहाँ पे रखी है। गाड़ी के डिलीवरी के टाइम पे हमने एक बाइक देखा है, मुझे लगा था चाइना का बाइक है, जांबाज भाई कौन सा बाइक है? सुजुकी एनाजुमा है, जो कि 250 सीसी है। एनाजुमा एनजुमा क्या कहते हैं? एनाजुमा ही है, कि एनजुमा एनाजुमा एक ही चीज बन जाएगी, स्पेलिंग तो वही है। और ये स्ट्रीट बाइक है, ये इसका आरपीएम है, साइड पे डिजिटल मीटर है, कुशनिंग वाली सीट है, बहुत खूबसूरत बाइक है। और ये ऑन करते हैं ये भाई, थैंक यू। अच्छा जी, ये गाड़ी इनको डिलीवर हो गई है लाहौर में, माशाल्लाह जी। उमर भाई हैं ये, छोटे भाई हैं जांबाज के, ऑल्टो वी एक्स है एसी, और इसके अंदर काफ़ी किट शीट वगैरह लगा दी है, और ये इन्होंने गाड़ी डिलीवर की है, और उनको भी बहुत बहुत मुबारक। अब हम वापसी का रास्ता पकड़ने लगे हैं और कुछ खाने पीने का प्रोग्राम बन रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। 10:15 का टाइम हो गया है और अभी भी हम लाहौर में खवार हो रहे हैं। हाँ जी, तेल इदा भी नहीं होया ना गड्डी का? हाँ जी, ये हमने वापसी का रास्ता पकड़ लिया है, उमर भाई ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है, और जांबाज भाई अच्छे अच्छे पंजाबी गाने सुनने की तैयारी कर रहे हैं। और आल्टो का एक सबसे बड़ा आपने फायदा तो बताया नहीं, पीछे देखें जरा, ये देखें, हाँ जी, ये जैन भाई ये ऑलमोस्ट लेटे हुए हैं, और ये लेग स्पेस देखे हमारा, तुम लोग इजी बैठे हो, बड़ा मजा आ रहा है। टोल प्लाजा के जस्ट पास हम एम टाइप लगवाने हैं, क्योंकि हम लोग पहले बड़े खबार हुए हैं
HIDs चेक कर लें, जामबाज भाई ने बहुत महंगे वाली HIDs इसके अंदर लगवाई हैं, और इसकी लाइट में और उसकी लाइट में थोड़ा फर्क आ रहा है। हाँ वो देखिए, वो हमारे पास क्लेम है, हम उसको क्लेम करवा लें। हाँ वो ज्यादा वाइट है और ये कम वाइट है। 12:15 का टाइम है और मोटरवे से उतर के हम लोग शेखपुरा से, ये बड़ा फेमस होटल है हाजी दा, इधर पहुँच गए हैं। और कुछ बंदे तब फ्रेश हो रहे हैं, कुछ बंदे इस तरह फ्रेश हो रहे हैं। आल्टो इधर पहुंच गई है, बैठ के पीछे वाली सीट वैसे इसकी बड़ी हार्ड है। तो ये भाई है मेरे पीछे, मेरे स्पोर्टिंग एक्टर, ये हम दोनों एक दूसरे के सर के ऊपर सर रख के बैठे थे। तो ड्राइविंग सीट पे हुआ सब कुछ चेंज, जहाँ बाद में छोड़ के उमर को दे दी गाड़ी। तो उमर भाई गाड़ी चलाते हैं ना, एक दफ़ा कलमा भी हम बंदा पढ़ लेता है एक दफ़ा, कि पता कोई नहीं कितने बज जानी। तो जी अब मैं निकलाया हूँ वापस, और तकरीबन 1:30 का टाइम है, और शदीद कोई मतलब थकावट हो गई, आवाज़ भी मेरी आपको लग रही है। और गाड़ी की अगर मैं एवरेज आपको बता दूँ तो ये गाड़ी जो है तकरीबन 5200 का पेट्रोल हमने डलवाया था, और अभी भी इसकी जो फ्यूल गेज है वो अभी भी हाफ पॉइंट उसके शो कर रही है। इट मीन्स के मतलब कि हम लोग आधे टैंक में वापस आ गए, और थोड़ा सा वहाँ पे घूमे भी, ये खाना वगैरह खाया। फ्यूल एवरेज ने यार बड़ा इंप्रेस किया, वैसे भी आज के हालात में जो पेट्रोल के रेट हैं तो उस लिहाज से फिर ऑल्टो जो है वो बड़ी बेहतरीन गाड़ी समझी जाती है। तो मुझे उतार के भी वो चले गए हैं, तकरीबन 1:45 का टाइम है और मैं भी घर जा रहा हूँ। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो इन्जॉय की होगी और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि ऑल्टो जो है वो कितनी अच्छी एवरेज देती है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।